हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो सुबह हो चुकी है और यहाँ पर आप देख सकते हैं हम लोग रेडी हो गए हैं, क्योंकि हमें जाना है थोड़ा बाहर। तो कहाँ जाना है चलिए आप लोगों को भी दिखाते हैं, आप लोग देखते रहिए मेरे साथ। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं से स्टार्ट कर रही हूँ, आप लोग देखते रहिए। हाँ, तो अभी मैं रास्ते में खड़ी हूँ क्योंकि पति जब गए हैं ATM में, तो इसलिए मैं वेट कर रही हूँ उनका। तो यहाँ से मेरी बेटी देख रही है मुझे, तो कैमरा देख के भाग गई। हाँ, तो चलिए चलते हैं। अभी हो गए हैं सुबह के 10:30, तो हम आ चुके हैं बाहर। तो भूख भी बहुत लगी थी क्योंकि हम लोग ब्रेकफास्ट करके नहीं आए थे। तो पहले हम लोग एक दुकान में आए हैं क्योंकि हमें कुछ खाना है, क्योंकि पेट में तो हमारा चूहा बिल्ली सब एक साथ में दौड़ रहा है, भाग दौड़ कर रहा है, तो इसलिए हम लोग आए हैं। तो ये दुकान का नाम है होटल अन्नपूर्णा, जो कि बड़ाकर में होता है, अन्नपूर्णा बॉम्बे होटल। तो यहाँ पे डोसा वोसा सब कुछ मिल जाता है। तो अभी सुबह का टाइम है तो शाम बहुत सारा वैरायटी तो अभी यहाँ पर नहीं मिलता है, लेकिन शाम में बहुत कुछ मिल जाता है। तो इसलिए हम ये की दुकान है यहाँ पे आए हैं डोसा खाने के लिए। तो बहुत दिन हो गए हम लोग डोसा नहीं खाए हैं, तो आज हमें डोसा ही खाना है ब्रेकफास्ट में। तो चलिए, तो मैंने पहले हैंड सैनिटाइज कर लिया है, तो ये तो अभी के टाइम में बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो हमारा डोसा आ चुके हैं, तो अभी आ चुका है, तो अभी हम लोग डोसा खाने जा रहे हैं। और यहाँ पर मैं मोबाइल को जिप कर रही हूँ और मोबाइल बार बार गिर पड़ रहा है। तो जितना हो सके मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। तो पेट में तो चूहा बिल दौड़े, तो बिना देर के चलिए पहले खाना खा लेते हैं, उसके बाद ही मैं आप लोगों से बात करती हूँ। हमने तो खाना स्टार्ट कर दिया है, देख ही रहे हैं, अब हम जल्दी जल्दी में खा रहे हैं क्योंकि कई सारा काम भी हमें करना है, इसीलिए हम लोग निकले हैं बाहर। तो यहाँ पर हस्बैंड पूछ रहा है तो कैसा बना है ये डोसा। तो मैं बोल रही हूँ यहाँ से बाहर बैठकर और एक जगह है, वहाँ पर और अच्छा डोसा बनाता है, तो हम लोग वहाँ पर ही खाते हैं। तो अभी सुबह का टाइम है तो वहाँ पर नहीं मिलता है अभी, इसलिए हम लोग ये दुकान में आए हैं खाने के लिए। तो पहले खाना को फिनिश कर लेते हैं, उसके बाद आपको ले चलते हैं कहाँ कहाँ हमें जाना है, सभी जगह पर हम आपको भी ले चलेंगे। तो चलिए आप लोग भी देखते रहिए। तो खाना फिनिश करके हम लोग निकल चुके हैं हमें जहाँ जाना है उसकी मंजिल की तरफ, क्योंकि बहुत सारा काम लेके हम लोग निकले हैं। तो चलिए आप भी चलिए हमारे साथ, हम लोग जहाँ जहाँ जाते हैं आपको भी ले चलते हैं, आप लोग भी देखते रहिए। तो ये है बड़ाकर मार्केट, तो हम लोग बड़ाकर मार्केट आए हुए हैं। तो अभी तो सारी दुकानें लगभग सब खुल चुके हैं, तो सारे दुकानें खुल गए हैं, तो देख के बहुत ही अच्छा लग रहा है। थोड़ी दिन पहले जो हालत था वो क्या बताएं आप लोगों को। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्या क्या काम करते हैं, क्या क्या काम लेकर घर से निकले हैं, आप भी देखते रहिए।
तो घूम घाम के हम लोग आखिर में आए हैं ये विल्सन मार्ट में। तो यहाँ पर कुछ चीज़ हमें लेना था इसलिए हम लोग आए हैं यहाँ पर। तो हम लोग हमेशा ही यहाँ पर आते हैं तो पहचान का हो गया है ये लोग। तो इसे देखिए, इसको तो सब पता है, ये सीधा दौड़ती हुई ऊपर ही जाएगी, नीचे रुकती नहीं है, इसे पता है जो हमारा जो लेने वाला चीज़ है वो सब ऊपर ही मिलता है। तो और एक इसका इसके लिए फेवरेट चीज़ है जो कि है एक बास्केटबॉल टाइप का है यहाँ पर रखा हुआ। तो ये जब भी आती है उस पर उससे खेलती रहती है, वो इसे वो उससे खेलना बहुत ही अच्छा है। तो स्पेशली उसके लिए ही ये यहाँ पर आना पसंद करती है। तो ये यहाँ पर बॉल लेकर खेलती रहती है और हम लोग अपना ख़रीदारी करते हैं, क्या करें। तो ये अच्छा बात है कि ये डिस्टर्ब नहीं करती है हम लोगों को, खुद से खेलती रहती है। तो यहाँ का जो सेल्स बॉय सेल्स कर लेते हैं सभी को पहचान का हो गया है, तो सब लोग इसके साथ खेलते रहते हैं तो हमें कोई परेशानी नहीं होती है। तो अभी इसे ये और भी ज़्यादा इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि इसमें भीम का फोटो लगा हुआ है। भीम इतना भीम पसंद है इसे, पूरा दिन ये भीम भीम करते रहती है। तो अभी बारिश लग रहा है, कम हो गया है क्योंकि हम लोग जब भी मॉल में आए थे बहुत बारिश हो रहा था, यहाँ सुबह से बारिश हो रहा है। तो चलिए अब घर चलते। हाँ, तो घर जाके मैं दिखाती हूँ कि क्या क्या खरीदारी हमने किया है। हाँ, तो हम लोग अभी घर आ चुके हैं। तो क्या 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 लिया है हमने, तो हम लोग एक ही साथ में निकले थे, तो हम लोग इस वीक का इस हफ्ते का जो सब्जी है वो भी ले आए हैं और कुछ ऐसा ऐसा सामान का भी हमारे हमें ज़रूरत था वो भी हम ले आए। सारे सब्जियों को तो मैं हमेशा की तरह धोकर उसका पानी सूखने के लिए दे दिया है, पानी सूख जाए फिर मैं सारे सब्जियों को और फ्रूट्स को फ्रिज में रखूँगी। तो अभी हमें ये पिज़्ज़ा ब्रेड लेकर आए हैं, रेडीमेड पिज़्ज़ा ब्रेड, क्योंकि पिज़्ज़ा का बेस बनाना अभी तक मुझे ठीक से नहीं आ रहा है, तो इसलिए अभी हम ये रेडीमेड से ही काम चला रहे हैं। लेकिन बहुत जल्दी मैं इसे सीख जाऊंगी, जब भी मैं सीख जाऊंगी आप लोगों के साथ भी मैं शेयर करूंगी कैसे मैं बना रही हूँ। तो अभी इसे काम चला रहे हैं हम लोग। तो दो बड़ा वाला पिज़्ज़ा का ब्रेड हमने लिया है और एक छोटा वाला पिज़्ज़ा ब्रेड का पैकेट हमने लिया है, और यहाँ पे जो स्लाइस ब्रेड होता है उसका पैकेट एक लिया है, और ये किए रास्क बिस्किट हम लेकर आए हैं बेकरी वाला, ये बहुत ही अच्छा लगता है चाय के साथ खाने के लिए, तो इसलिए हम लोग ये लाए हैं। तो मेरी बेटी भी इससे खाती है, उसे भी ये पसंद है। और हम ले आए हैं एक ये कस्टर्ड पाउडर, तो इसे ट्राई करेंगे, पहले नहीं बनाया है, वनीला फ्लेवर में है तो इसे हम बना के ट्राई करेंगे कैसे बनता है। और हमने लिया है एक ये पास्ता पिज्ज़ा सॉस, जो पहले का हमारा था वो ख़त्म हो चुका है तो इसलिए दूसरे हम ले आए हैं। और एक हम ले आए हैं डॉक्टर ओट का मेयोनीज़ होता है, वो मेयोनीज़ लेकर आए हैं। और एक लाए हैं अमूल का ये पनीर, फ्रेश पनीर है, तो ये फ्रेश पनीर लेकर आए हैं क्योंकि पनीर टिक्का बनाना है तो उसका रेसिपी मैं शेयर करूँगी। तो ऐसे पनीर हम लोग नहीं खरीदते हैं क्योंकि हमारे यहाँ घर में जो दूध देते आते हैं जो अंकल, वही बनाते हैं पनीर, वो फ्रेश पनीर दे जाते हैं घर में, तो बहुत दिनों से उन्होंने बनाया नहीं है तो इसलिए हमें बाहर से ले आना। अंकल जो पनीर बनाता है ना उसका क्वालिटी बहुत अच्छा है, इसलिए हम लोग बाहर से नहीं खरीदते हैं, जब भी पनीर का ज़रूरत होता है उसे उन्हीं से कहते हैं तो वो दे जाते हैं। तो अभी उन्होंने नहीं बनाया इसलिए हम उसे बाहर से लेकर आए। और यहाँ पर ये है बास्केट, तो इस बास्केट में मैं सारे फ्रूट्स और जो मैं ब्रेड वगैरह होता है वो सारे स्टोर करके रखती हूँ फ्रिज में। तो बहुत सारा एक साथ में फ्रूट्स हम लोग नहीं लेकर आते हैं क्योंकि फ्रूट्स को स्टोर नहीं करना अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए हम थोड़ा करके लाते हैं तो ख़त्म हो जाता है उसके बाद ले आते हैं। तो यहाँ पर जो फ्रूट्स है और जो ब्रेड वगैरह है वो सब मैं स्टोर करती हूँ, तो एक साथ में इन सभी को रख के मैं फ्रीज में रख देती हूँ तो निकालने भी आसानी होती है। तो एक बार ये बास्केट निकाला तो सारे चीज़ आ जाता है बाहर, इसलिए इसे मैं एक साथ में रखती हूँ। और ये बिस्किट जो है ये तो फ्रिज में नहीं जाएगा, इसको मैं अलग से रखूँगी। और यहाँ पर जो सारे सब्जियाँ हैं जैसे कि घी, करेला, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में अभी तक मुझे नहीं पता है, और ये बड़ा वाला जो मिर्च होता है इसका पकौड़ा टाइप बनाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है खाने के लिए, तो वही बनाएंगे। और यहाँ पर है येलो बेल पेपर, रेड बेल पेपर, और एक कैप्सिकम जो पनीर टिक्का बनाना है उसमें लगेगा ये। और यहाँ पर है टमाटर, केला, कच्चा केला,
और यहाँ पर है बैंगन, कद्दू, पपीता और ये पत्ता गोभी और पत्ता गोभी का सब्ज़ी हमें अच्छा लग रहा है अभी, तो इसलिए लाए हैं। और यहाँ पर है गोभी, तो ये गोभी देख सकते हैं बहुत ही छोटे साइज में है, तो यही बाज़ार में मिला, तो हम उन बहुत ही क्वालिटी बहुत अच्छा नहीं है, तो उन्हीं में से जो जो अच्छा है वही हमें उठा कर ले आए हैं। तो यही है सारा, तो इसका पानी लगभग सूख चुका है, तो अभी इसे हम स्टोर करेंगे। और यहाँ फिश भी लेकर आए हैं, तो ये 1 किलो का करीब है, तो इसको धो के अच्छे से क्लीन कर लिया है, उसके बाद ये ऐसा छन्नी में मैं रख देती हूँ ताकि इसका सारा पानी निकल जाए, तो ये सारा पानी निकल जाएगा। उसके बाद मैं इसको फ्राई करूँगी नमक और हल्दी लगा कर, तो इतना तो आज नहीं बनेगा, आधा आज बनेगा और आधा कल बनेगा। तो यही है आज का, तो आज का वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ। कैसा लगा है आज का वीडियो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए टाटा, आज के लिए यहीं तक।